रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल शुक्रवार 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म को ओपनिंग डे पर ऑडियंस से बेहद शानदार रिस्पांस मिला और इसी के साथ रिलीज के पहले दिन इसने बम्पर कलेक्शन भी किया। इस खुशी के बीच मेकर्स को तगड़ा झटका भी मिला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज होने के 24 घंटे से भी कम समय में संदीप रेड्डी वागा निर्देशित फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है। ऐसे में अब इसकी कमाई पर गहरा असर पड़ने के चांसेस हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल रिलीज के चंद घंटों बाद ही फुल HD प्रिंट में ऑनलाइन लीक हो गई। वहीं ये फिल्म टेलीग्राम, तमिल रॉक्स, मूवी रूल्स, तमिल MV, फिल्मी जिला, इबोमा जैसे टोरेंट वेबसाइट पर फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। एंटरटेनमेंट पोर्टल्स का दावा है कि फिल्म को रेगुलर फॉरवर्ड की तरह व्हाट्सएप पर भी शेयर किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि विकी कौशल की सैम बहादुर भी रिलीज के कुछ घंटे बाद ही ऑनलाइन लीक हो गई थी। संदीप रेड्डी वागा द्वारा निर्देशित एनिमल में रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी में दोनों ने पहली बार स्क्रीन शेयर किया है। फिल्म में बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये बाप बेटे के बीच के टॉक्सिक रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती है। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने एनिमल को ए सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 35 मिनट है। वहीं फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपने शुरुआती दिन में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है।